अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आज जो मेरे पास है, आज मेरे पास टिंकल है और आप लोग को बताती जाऊँ कि ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये आईब्रोज बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, अपर लिप्स करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और हम अपने फेस के अनवांटेड हेयर्स जो होते हैं उन्हें भी इससे रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि थ्रेडिंग हम करवाते हैं, वैक्स भी फेस से करवाते हैं, लेकिन वैक्स जो होती है उससे फेस जो होता है वो उस पर रेडनेस हो जाती है। कभी किसी कोई स्किन ऐसी होती है जिस पर स्वेलिंग हो जाती है और कुछ स्किन्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर पिंपल्स भी हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वैक्स लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो थ्रेडिंग करवाते हैं, लेकिन थ्रेडिंग से क्या होता है कि हमारे फेस के ऊपर लाइंस पड़ जाती हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्लर में कितनी महंगाई हो चुकी है और थ्रेडिंग के भी इतने इतने पैसे हैं, और मैं आपके लिए आज बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आई हूँ और आपको ये टिंकल जो है मैं यूज़ करना भी सिखाऊंगी और आप लोग को बताती जाऊँ। ये बहुत ही अच्छे टिंकल हैं और ये पूरा साल भी आप यूज़ करेंगे ना तब भी ख़राब नहीं होंगे। ठीक हो गया जी, देन आप लोग को बताती जाऊँ कि अपर लिप्स करने के लिए भी हैं, आईब्रोज करने के लिए भी हैं और आपके फेस के अनवांटेड हेयर्स जो होते हैं उसे भी ये रिमूव कर देता है। हम इसे रिमूव कर सकते हैं और यहाँ तक के अगर हम वैक्स करवाते हैं उसके बाद हमारे हैंड्स और लेग्स पर छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, उसे भी हम इसे रिमूव कर सकते हैं। मैं अभी हैंड पर यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह हमने इसको कुछ यूज़ करना है और इससे हमारी स्किन स्मूथ हो जाएगी, ना कोई पिंपल होगा, ना कोई रेडनेस और ना ही कोई लाइंस हमारे फेस पर पड़ेंगी। ठीक हो गया, और प्राइस इसकी बहुत ही रीज़नेबल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं वैक्स अगर हम पॉलर से अपने फेस के वॉटेड हेयर्स को रिमूव करवाएं तो बहुत बहुत पैसे देने पड़ते हैं। और प्लकिंग का आप लोग को बताऊं, आईब्रोज के अब 150 हो चुका है और ये जो टिंकल है इसकी प्राइस बहुत ही रीज़नेबल है, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी प्राइस 150 रुपीज़ है।